Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend Manavar Ansari, aap sabhi logon ka Karan Johar, Ranveer Singh and Alia Bhatt ki film Rocky aur Rani ki Prem Kahani ke day number 1 ke box office collection prediction, audience occupancy, show count and advance booking episode mein tahedil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? So guys, abhi bhi almost 2-2.5 ghante bache hain 12 बजने के लिए, जहां पर जो फाइनल एडवांस बुकिंग है वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का हमारे सामने आएगा। अब लेट्स सी वो फाइनल एडवांस बुकिंग कितना आता है, क्या इन 2 घंटों में पेस पकड़ती है ये फिल्म या नहीं पकड़ती। बहुत सारे शोज जो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के हो चुके हैं, चाहे वो मीडिया हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली हो, यू नो फैमिली एंड फ्रेंड्स फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी हो, आज पूरे प्रेस के लिए, चाहे वो फोटोग्राफर्स हो, पेपराजी हो, मीडिया हाउसेज हो, पोर्टल्स हो, उन सभी लोगों के लिए शोज जो रख दिए गए हैं एंड द वर्डिक्ट इज यूनानिमस दैट इट इज एन एब्सोल्युटली सुपर्ब फिल्म। लेकिन भैया आप कहानी मट्टूस तो जानते हैं भाई, आओ सर्कस का स्पेशल शो कौन भूल सकता है, जहां पर सर्कस को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया गया था और अगले दिन क्या हुआ था भाई आप भी जानते हो, हम ही तो रिव्यू दिए थे भाई। तो गाइस जब तक हम कल फिल्म देखने लेते खुद से यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो कल जब जनता फिल्म देखेगी दैट इज द रियल स्टार्स व्हिच द फिल्म विल गेट। इसी नोट पे आज का एपिसोड जो है शुरू करते हैं। तो गाइस कल जब हम मिले थे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के एपिसोड में, तब इसने 1.45 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली थी। एंड गाइस कल ही मैंने कहा था द मिशन फॉर दिस फिल्म इज टू सेल एटलीस्ट 3.50 करोड़ प्लस का टिकट टिल नाइट। एंड गाइस अभी सरप्राइजिंगली इट हैज क्रॉस दैट एंड ये फिल्म कंफर्टेबली 3.55 से लेकर 3.60 करोड़ का एडवांस बुकिंग जो है वो कर लिया है विदाउट द ब्लॉक सीज, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। एंड इट हैज सोल्ड ऑलमोस्ट 1,08,000 टिकट्स। तो गाइस एडवांस बुकिंग यहां पर इस फिल्म ने अच्छी खासी कर ली है। पीवीआर एनॉक्स एंड सिनेपोलिस की बात करूं तो रात तक उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म 70,000 टिकट्स जो है वो सेल करेगी। यहाँ पर शाम तक का डेटा था पीवीआर एनॉक्स एंड सिनेपोलिस का, 52,000 टिकट्स बेची थी, यानी कि ये शमशेरा, सम्राट पृथ्वीराज, भोला इन सबको ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। एंड गाइस अभी गंगूबाई काठियावाड़ी, किसी का भाई किसी की जान, विक्रम वेदा, लाल सिंह चड्ढा इनको भी क्रॉस कर देगी अगर ये 70,000 टिकट्स जो है डे नंबर 1 के लिए खाली पीवीआर एनॉक्स एंड सिनेपोलिस में बेचती है। तो झूठी और मक्कार का रिकॉर्ड था, इट हैड सोल्ड 73,000 टिकट्स। ओके गाइस अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर इसके बस के बारे में। तो आलिया भट्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस फिल्म एंड शी विल प्ले अ वेरी इंटेग्रल पार्ट इन गेटिंग अ गुड ओपनिंग एट द बॉक्स ऑफिस। कहा जा रहा है कि जो सीनियर मेंबर्स है एस्पेशली धर्मेंद्र जी, शबाना आजमी, इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस जो है वो दिया है गाइस यहां पर। एंड जया बच्चन हैज स्टोलन अवे द शो, देखेंगे भैया। लेकिन ऑल सेड एंड डन इट इज सेट टू बी अ कंप्लीट रणवीर सिंह वॉक ओवर। यस फ्रेंड्स, रणवीर सिंह की बहुत ज्यादा तारीफ आई है इस फिल्म से, कब कल देखेंगे कि भैया वाकई में रणवीर ने अच्छा किया है या फिर भैया बॉय जयेश भाई जोरदार कर दिया है। एंड बात करेंगे इस ओवरसीज की, ओवरसीज एडवांस बुकिंग ऑफ दिस फिल्म इज क्रैकअप। करण जौहर की फिल्में ओवरसीज मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस करती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसे ये रहेगा कल नॉन हॉलीडे है। एंड गाइस सबसे बड़ा सोने पे सुहागा ये है कि मुंबई में इट इज रेनिंग वेरी बैडली, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। थाने में ऑलरेडी कल के लिए स्कूल एंड कॉलेजेस जो है वो बंद कर दिए, छुट्टी डिक्लेयर की है। मुंबई में आज भी स्कूल एंड कॉलेजेस बंद थे, तो पब्लिक कल फिल्म देखने जाएगी या नहीं जाएगी ये एक अलग विषय है, या फिर भैया स्कूल की छुट्टी हो गई या बारिश नहीं हो रही है फिल्म देखने चलिए, तो कुछ भी हो सकता है। कल इस फिल्म के लिए अच्छा सरप्राइज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑल सेड एंड डन द फिल्म विल हेवीली डिपेंड ऑन द वॉक इन ऑडियंसेस, समझ में आ रहा है। एंड फिल्म मेकर्स आर कॉन्फिडेंट, मैं आपको पहले ही बताया था कि फिल्म मेकर्स आर शाइंग अवे इन कीपिंग मॉर्निंग शोज एज अर्ली एज 8 AM, यानी कि फिल्म मेकर्स डर रहे, कतरा रहे हैं वो सुबह 8 बजे का शो रखने के लिए। यहाँ पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बिंदास 8 बजे से सुबह शोज जो है यहाँ मुंबई में शुरू है। इतना ही नहीं, मूवी टाइम सबविया 10 बजे, 1 बजे हाउसफुल हो गया है। द यंग कॉलेज गोइंग किड्स आर जस्ट स्टॉर्मिंग इन फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, एंड वही इसका टारगेट ऑडियंस है इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी जो पारिवारिक ऑडियंस है यानी कि सह परिवार जो लोग हैं वो इस फिल्म को देखेंगे, वर्ड ऑफ माउथ अगर अच्छा हुआ तो। दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, 902 शोज,
आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 950 शोज है वो कल मिले इसको, एंड यहाँ पर ऑलरेडी 50 फास्ट फिलिंग शोज है जो काफी अच्छी साइन है, 10% ऑक्यूपेंसी। मुंबई 800 शोज है, शो काउंट विल इंक्रीज, ओके ऑक्यूपेंसी इज 10%, 45 फास्ट फिलिंग शोज। पुणे 282 स्ट्रांग शोज, वेरी स्ट्रांग 11%, बेंगलुरु 212 शोज गुड 14% ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 190 शोज 15%, कोलकाता 280 शोज 5% है, लेकिन कोलकाता द स्टोरी हैज बीन द सेम फॉर ऑल द फिल्म्स दिस ईयर, यानी कि सेम कहानी सबके लिए हुआ है। पता नहीं वहाँ पब्लिक क्यों नहीं फिल्में देखने के लिए जा रही है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि गाइस किस तरह यहाँ पर कोलकाता भाषा का यूज किया है, यानी बंगाली का यूज किया है, एंड पूरा एक परिवार ही यहाँ पर बंगाली है, तो फिल्म वहाँ शायद जरूर पिकअप करेगी। बात करते हैं चेन्नई की, सॉलिड 60 शोज 32% ऑक्यूपेंसी, एंड सूरत 225 शोज में 4%, लखनऊ 214 शोज में 4%। ये फिल्म गारंटी कल डबल डिजिट ओपनिंग तो ले ही रही है, अब डबल डिजिट के कितना ऊपर जाती है वॉक इन ऑडियंस पर निर्भर करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस फिल्म विल सेफली अर्न 13+ crores ऑन इट्स फर्स्ट डे एट द बॉक्स ऑफिस, जो कि आज के सिनारियो को मद्देनजर रखूं तो एक अच्छी खासी ओपनिंग होगी। यस सैटरडे अगर सर फ्राइडे अगर 13 कमाती है, सैटरडे शुड बी 15+ एंड संडे शुड बी 17+। सबसे अच्छी बात यह है कंपटीशन के नाम पे इसके लिए आगे कुछ भी खतरा नहीं है, सीधा आप गदर 2 एंड ओएमजी 2 अगर वो रिलीज हुई 11 को तो है, तो अच्छे खासे इसके पास 2 हफ्ते फ्री रन है बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी कमाई जो है वो करने के लिए। द फिल्म नीड्स टू ओपन गुड टुमारो, ओके बिकॉज ओपनिंग इज एवरीथिंग, द परसेप्शन इज एवरीथिंग, ओपनिंग अच्छी होती है ऑडियंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है, हाँ ओपन अच्छा हुआ है फिल्म का, एंड इसीलिए ऑडियंस आती है देखने के लिए, एंड आई एम श्योर कि एक अच्छी खासी कहानी होगी ये फिल्म, ये आई मीन इसमें कुछ भी खराब लगी नहीं रहेगा, इस यहाँ पर नॉर्मल सी लव स्टोरी है, कॉमेडी है, अच्छा फन ग्लॉसी पेपी करण जो और फिल्म है, आई डोंट सी कि हैवी लोड दिमाग पे कुछ लेने वाली है पब्लिक इस फिल्म को लेकर, एंड आराम से ऑडियंस ब्रीजी फिल्म जो रहती है ना, जाओ इंजॉय करो पॉपकॉर्न खाओ बाहर आओ, आई थिंक उसी तरह का एक एक्सपीरियंस होगा। हाई एक्सपेक्टेशंस, करण जौहर कुछ तो अलग करेंगे ही करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि यू नो इतने साल के बाद आ रहे हैं डायरेक्टर बन गए तो कुछ हल्की फिल्म बनाएगा, अब लेट्स सी गाइस हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है क्या वो खरी उतरती है नहीं उतरती। भैया अभी कल थिएटर के बाहर मिलेंगे भाई, हाँ जाया जी है फिल्म में, जया बच्चन को देखने जा रहा है भाई। तो गाइस आई होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीजेस टुमारो इन अ सिनेमा नियर यू, बुक योर टिकट्स नाउ, स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज।